डॉक्टर जी ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रा करके पूरा जो टू ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रा करके पूरा जो टू ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रा करके पूरा जो टू ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रा करके पूरा जो टू ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी
ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रॉ करके पूरा जो 2 ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके पर बिल्डअप शॉट्स को दे सकते हैं। हां डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रॉ करके पूरा जो 2 ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके पर बिल्डअप शॉट्स को दे सकते हैं। हां डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रा करके पूरा जो 2 ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके पर बिल्डअप शॉट्स को दे सकते हैं। हां डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहां से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रा करके पूरा जो 2 ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके पर बिल्डअप शॉट्स को दे सकते हैं। हां डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर, इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रा करके पूरा जो 2 ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके पर बिल्डअप शॉट्स को दे सकते हैं। हां डॉक्टर जी, ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर का
पहले आप वो कैसे करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोसीजर इसमें ना हम लोग पीआरपी यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जो पीआरपी होता है प्योर प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। जो प्योर प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएगा, जो पेशेंट का ना एक 5 ml ब्लड ड्रा करना पड़ेगा, वो ब्लड भी यहाँ पे एल्बो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे से एक 5 ml ऐसा, ये देखना इसमें जो 5 ml ड्रा करके दोनों ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं पीआरपी ट्यूब्स बोलेगा, ठीक है। ये 5 ml ड्रॉ करके पूरा जो 2 ट्यूब्स में फिल करने के बाद इसको ना छोटा सा प्रोसीजर करने पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आएगा, वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ना ये ट्यूब 20 मिनट्स ओके 20 मिनट्स वो जो मशीन में डालने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं ना पीआरपी, जो प्योर प्लेटलेट सेल्स, फाइनली वो प्योर प्लेटलेट सेल्स आएगा। ओके